बलरामपुर जिले में इन दिनों जहां एक ओर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजनीति में एक्टिव दिख रही हैं। बलरामपुर जिले के एक शिक्षक को भी राजनीति का खुमार चढ़ा हुआ है और वो सोशल मीडिया पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ पोस्ट डाल रहा है, जिससे नाराज स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि शिक्षक के पद पर रहते हुए सोशल मीडिया पर देश के शीर्ष नेता, मंत्री, देश की मीडिया पर अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। ये टिप्पणियां जो की जा रही थी उसके संबंध में आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा एसडीएम शंकर अनुभव को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यवाही अगर प्रशासन करती है तो ठीक बात है, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो इसको अभी ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ये बात अभी मेरे संज्ञान में आई है और जो भी नियमानुसार बनता है हम इसकी जांच करते हैं और उनका जो दोष जिस प्रकार का होगा उसके अनुसार हम निश्चित रूप से कार्रवाई करें। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी।